की जानिब से नौजवानों और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करने के लिए आए रोज नए नए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वहीं कुछ एकेडमीज भी, निजी एकेडमीज भी इस बारे में अब संजीदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल शुमाली ज़िला बांडीपुरा के अंदर कई तरह के स्पोर्ट्स एकेडमीज पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आज पहली बार किसी गांव में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली गई है और नाम दिया गया बांडीपुरा स्पोर्ट्स एकेडमी। बांडीपुरा के एक दूरदराज इलाके मलनगांव में इस स्पोर्ट्स एकेडमी का आज इफ्तिताह किया गया और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अलावा इस एकेडमी को स्पॉन्सर करने वाले शाही हमदान और अलहुदा स्कूल के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के दीगर अहदेदार भी इस इनाग्रल सेरेमनी पर मौजूद रहे। इन सब का ये कहना था कि गांव देहातों में जो बच्चों के अंदर हुनर होता है, जो टैलेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं बाहर लाने के लिए अब कोशिशें की जानी चाहिए और ये एक कोशिश ज़रूर की गई है बांडीपुरा स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से, जिसमें अलहुदा स्कूल बांडीपुरा और शाही हमदान स्कूल बांडीपुरा जो है उन्होंने अपना तावुन पेश किया है। उन्होंने इस एकेडमी को स्पॉन्सर करके इस एकेडमी को अपना तावुन दिया और कहा कि आप इलाके में काम करिए, बच्चों के टैलेंट को सामने लाइए, ताकि यही बच्चे जो गाँव देहातों में होते हैं कल को ये भी हमारे माशरे में या फिर कहिए कि हमारे स्टेट लेवल या फिर बैन अलाक़वामी लेवल पर जो है आगे जाकर अपने हुनर को या अपनी काबिलियत को साबित कर पाए। यहाँ एक यूनिट खोला है बांडीपुरा स्पोर्ट्स एकेडमी मलनगांव में, तो इसमें दो स्पॉन्सर है स्कूल हमारे बांडीपुरा में, एक तो शाही हमदान है और एक अलहुदा। इन्होंने इनको ये सामान दिया है बच्चों को, एक तो आज थोड़ा सा इनको एक किट दिया है। तो एक्चुअली प्रोग्राम यह है कि यहाँ से जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे जाके स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाए, तो इसमें चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे खो खो हो, तो इस सिलसिले में ये एकेडमी आज पहली बार यहाँ मलनगांव में खोली गई। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टाउन में तो हर सहूलत मैसर है, ये जो गांव हैं इनको तो कोई सहूलत मैसर नहीं, ग्राउंड्स भी नहीं है इनको और कोई सिखाने वाला भी नहीं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं ऐसे ही स्पॉन्सर हमें मिले जो हर गाँव में एक एक एकेडमी खोलें और उसमें जो बच्चे हैं टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे आए और कुछ नाम कमाए। बिल्कुल सही बात है, हम गुजारिश करते हैं जो ये स्पॉन्सर हैं जो या इनके जो कोच हैं यहाँ, इनसे हमारी इल्तिमा से गुजारिश है कि एकेडमी तो आपने खोली मगर इसके लिए आपको ज़रूरी है सपोर्ट्स काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना इस एकेडमी का, और इसके बाद इनको जो भी ज़रूरत हो चाहे कोचेस की हो, यूनिफॉर्म्स की हो, किसी इक्विपमेंट्स की हो, वो इनको प्रोवाइड करना। ये ना हो कि आज इनाग्रेशन हुआ तो फिर बाद में सब छोड़ दिया, ऐसे ऐसे नहीं। एकेडमी को वो हर सहूलियत मिलनी चाहिए जो इनकी ज़रूरत होगी, मगर इसके लिए ज़रूरी है। हम गुजारिश करते हैं इनसे अलहुदा जो और ये शाहीन जो इनको ये करते हैं स्पॉन्स, गुजारिश करते हैं कि ये प्रोसेस करें जे एंड के सपोर्ट्स काउंसिल में जाके ये रजिस्ट्रेशन करें इस यूनिट की, तभी ये यूनिट अच्छी तरह से चल सकता है। इसके अहम वजह ये था कि टाउन्स में या सिटीज़ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाते हैं, कहीं किसी हद तक हमें मिलता है, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं इनकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं और अवेयरनेस भी कम होती है। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ए आउटरीच प्रोग्राम के बच्चों तक पहुँचा जाए, जो गाँव देहातों में जो टैलेंट रहता है वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश रही कि बांडीपुरा समाज की तरफ और जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, हम यहाँ पर हैं ही। और ये स्पॉन्सर प्रोग्राम इसलिए आइडिया आया कि देखिए, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर जो टैलेंट है वो फिर आगे नहीं आ पाता है, एक्सपोज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द सर्टन हर्डल्स, और उसमें सबसे अहम हर्डल ये रहती है कि घर वालों का सपोर्ट न मिलना और फाइनेंशियल असिस्टेंस न मिलना। तो उस सूरत से हमने शाह हमदान इंग्लिश मीडियम स्कूल बांडीपुरा और अलहुदा चाइल्ड केयर बांडीपुरा ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर किया जाए, ताकि जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो जाए, एक्सपोज हो जाए, और इससे हमारी वादी का नाम भी रोशन हो जाए और बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर बन जाए, और ये जो आइंदा चल के जो मंशियात या और जैसे कामों में हमारी यूथ पाई जाती है, पहले से ही इनको स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रखा जाए, ताकि ये उन बुरे कामों से दूर रहे।
پران سر بٹ بانڈی پورہ سپورٹس اکیڈمی سر ہیچ فٹ بال سپورٹس ہیچنو بیڈمنٹن کرکٹ فٹ بال اینڈ ایٹسٹرا آمنا بلال کہاں رہتے ہو ملن گاؤں میں یہاں پر مجھے کھو کھو کھیلنا ہے بانڈی پورہ فٹ بال اکیڈمی یونیفارم سر مجھے بتاؤ آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ اس سے یس سر کتنا فائدہ ہوگا بہت آپ نے ضلع بانڈی پورہ کے ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل سیکرٹری کو سنا غلام حسن میر صاحب کو جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے اور اس کوشش کے تحت گاؤں دیہاتوں کے بچے جو ہے وہ ان کا ٹیلنٹ باہر آ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے الہدا جو اس کو سپانسر کر رہے ہیں اس کے چیئرمین کو بھی آپ نے سنا جن کا یہ ماننا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر کا ٹیلنٹ چھپا رہتا ہے اور اس ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے یہ ایک کوشش یا پہل کی گئی ہے ملنگام علاقے میں اور اس اکیڈمی کو وہ پوری طرح سے اپنا تعاون فراہم کریں گے اور وقتاً فوقتاً جس طرح سے بھی بچوں کو ضرورت رہے گی اسپورٹس کے اعتبار سے یا پھر کہے کہ اسپورٹس کے جو دیگر ایڈز رہتے ہیں یا پھر کوچ کے حوالے سے جو مسائل رہتے ہیں وہ بھی ان کو پرووائڈ کر کے بچوں کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ یہ بچے آنے والے مستقبل میں نہ صرف کھیل کود سے جو ہے اپنے آپ کو اپنے کھیل کود سے اپنا لوہا منوا سکے بلکہ کھیل کود کو ہی اپنا کریئر بنا کے اپنے مستقبل کو بنا سکے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ براہ راست جوائن کرنے کے لیے بانڈی پورہ سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لیے انعام الحق کی رپورٹ